मैं जब भी अपने काम पर निकलता हूँ तो एक छोटे से पार्क में एक बूढ़ी आवारा कैलिको बिल्ली होती है। मैंने बिल्ली को देने के लिए अपनी जेब में सूखी सार्डिन रखना शुरू कर दिया। हर सुबह मैं बिल्ली को एक सार्डिन देता, उसके सिर को थपथपाता और फिर काम पर चला जाता। एक सुबह मैंने पाया कि बिल्ली मर चुकी है। मुझे चिंता थी कि अगर मैंने इसे पास में दफनाया तो कुत्ते इसे खोद लेंगे, इसलिए मैंने अपनी कंपनी को आधे दिन की छुट्टी लेने के लिए बुलाया और बिल्ली को अपने दादा के मंदिर में ले गया, जो 4 ट्रेन स्टेशन दूर था। मेरे दादा ने अंतिम संस्कार की रस्में निभाई। अगले दिन जब मैं पार्क से गुजर रहा था तो मैंने सोचा, ओह, बिल्ली अब यहाँ नहीं है, और हमेशा की तरह बेंच के नीचे एक सार्डिन रख दिया। मैं हर सुबह वहाँ एक सार्डिन रखता रहा। अजीब बात यह है कि मैंने देखा कि हर दिन सार्डिन गायब हो जाती थी। मुझे लगा कि कोई और आवारा बिल्ली उन्हें खा रही होगी। एक दिन मुझे देर तक काम करना था और जब मैं ऑफिस से निकला तो रात के 11 बज चुके थे। जब मैं अंधेरे पार्क से गुजर रहा था तो मैंने बेंच पर बिल्ली को देखा। वह वहां बैठी हुई थी, खुद को संवार रही थी। मुझे लगा कि यह कोई और बिल्ली होगी और मैंने देखा कि वह बेंच के नीचे गई और उस सार्डिन को खा गई जो मैंने उस सुबह छोड़ी थी। फिर वह बेंच पर वापस चढ़ गई और अपने पंजों से अपना चेहरा धोने लगी। जब मैंने करीब जाने की कोशिश की तो बिल्ली ने मेरी तरफ देखा, जम गई और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। मैं दंग रह गया और बेंच के नीचे देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। मैं उस बिल्ली को उसकी नाक के बगल में काले धब्बे के साथ पहचान नहीं पाया। मेरे दादाजी ने कहा, बिल्लियां स्वतंत्र प्राणी हैं, इसलिए हो सकता है कि वे मृत्यु के बाद भी इस दुनिया और अगली दुनिया के बीच आती जाती हों। उन्होंने यह भी कहा, मैंने उसका उचित अंतिम संस्कार किया है, इसलिए अब वह स्वर्ग में होगी। शायद बिल्ली, जो अब स्वर्ग में है, कभी कभी मेरे द्वारा छोड़ी गई सार्डिन खाने के लिए वापस आती है। मैं अभी भी हर सुबह एक सार्डिन रखता हूँ, लेकिन मैंने रात में वहाँ जाना बंद कर दिया है। बिल्लियाँ आखिरकार स्वतंत्र हैं और उन्हें परेशान न करना ही सबसे अच्छा है।